नमस्कार दोस्तों, मैं आपका काथर्टी अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज पहुँचे सुपरताल मेला में और अभी आपको ऐसे बुलकर मिलाने जा रहे हैं जो कि एक अपने आप में एक ऐतिहासिक जो है पुल बन चुका है। उम्र है इसकी 3.5 साल। और किस भैया थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मुझसे है जी चार दांत है। मेरा नाम है राहुल देवा, मेरा गाँव कोयला जिला मुजफ्फरनगर। मेरा जो पुल है मुझसे चार दांत है और ये आज तक जिस मेले में भी गया जो पशु प्रदर्शनी हरियाणा पंजाब और यूपी जहाँ भी गया कुछ ना कुछ जिस रिंग में बढ़ गया उसमें से कुछ ना कुछ लेकर आया। भैया अभी एक मिनट मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जैसे अभी आपने कुछ अभी बोल रहे थे वीडियो में कि बुल दूध देता है ना कि जो है मतलब भैंस दूध देते क्योंकि क्वालिटी पर दूध बिकता है। अच्छे दुधारू पशु की क्या पहचान होती है, जरा मुझे इस बुल में कुछ क्वालिटी बताइए कि इसके क्या क्वालिटी है जो इसकी कटड़ी है कोई भी अदर बुल हो उसकी कटड़ी। ये बुल है मुर्रा में। जी मुर्रा बुल है ये। जी जी मत्था बिल्कुल आप देख सको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई जी ये मुर्रा ब्रीड चैंपियन बना। अच्छा मुर्रा ब्रीड। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। जी जी इसमें सारी क्वालिटी है। अच्छा सींग देख लो आप। जी जी और क्या क्वालिटी है भाई जी। ये पूंछ जितनी कम वाइट होगी। अच्छा जी उतनी ज्यादा क्वालिटी होगी। पूंछ जितनी मतलब कम वाइट होगी उतनी क्वालिटी बढ़िया होगी। और टेस्टिकल जी मेन होते हैं बुल के टेस्टिकल ये देख सकते हैं। हाँ जी टेस्टिकल बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। लगभग फिलहाल बुल का वजन कितना है भाई जी। वजन 10 क्विंटल। अच्छा ऐसा बुल तैयार करने के लिए सपोज हमने इस बुल से अपनी भैंस क्रॉस करा ली और हमारी भैंस ने कटिया भी दे दी और उसके बाद में आप ये बताइए हम ऐसा बुल अगर तैयार करना चाहें तो उसके लिए छोटे बच्चे के लिए सबसे पहले है माँ का दूध। अच्छा जी जब हम छोटे बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाओगे। अच्छा जी तो आगे चल के दूध नहीं निकालने का। लगभग एक छोटे बच्चे को कितना दूध देना चाहिए दिन का। भाई जी मैं तो ये कहूँगा 3 महीने तक जी। आप जितना भी ज्यादा पिला सको। अच्छा जितनी आपकी पिलाने की कैपेसिटी हो। अच्छा जी तो आपने जैसे ये बुल तैयार करा है आपने जैसे ये बच्चा हुआ था तो क्या सोचा था कि भाई बुल जो है इतना अच्छा निकलेगा। भैया मैंने तो ये शुरू से ही पहले दिन से ही मेरे मन में थी कि मैं इसे सांड बनाऊंगा। इसकी जो टेस्टिकल की क्वालिटी थी वो एक अलग ही। अच्छा अलग लेवल की थी जी। तो जैसे आपने इसे तैयार करा है शुरू से अब तक तो इसकी डाइटिंग पहले 3 महीने में क्या दिया आपने सर। पहले 3 महीने में जितना इस पे दूध दिया गया अपनी माँ का वो दिया मैंने। अच्छा पहले जितना मैं कभी भी किसी भी बच्चे को 3 महीने तक चारे बनी मानता। उसको माँ का दूध पिलाया केवल माँ का। अच्छा इसकी जो डिवॉर्मिंग करने का जो तरीका है वो कितने दिन बाद गया है बच्चे का। बहुत पशुपालक क्या काम करते हैं दूध भी पिला दे लेकिन बच्चा तैयार। अच्छा जी और जो बाकी के 15 महीने वो दे दो जब 30 दिन का होगा। अच्छा जी और उसके बाद में फिर हर 3 महीने। अच्छा जी तो बहुत सी बार आपने देखा होगा कि हमने डिवॉर्मिंग करा दी और जो है दूध पीना या कोई दस्त वगैरह की शिकायत हो जाती है उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। देखो दस्त बच्चे का कभी नहीं लगने के अगर आप शुरू से ही जो है माँ का दूध छिका का पिलाओ। अच्छा छिका का पिलाओगे बहुत बढ़िया। बच्चे को पैदा होते ही आधे घंटे के 1 घंटे के अंदर खड़ा कर दो। अच्छा आधे घंटे खड़ा करके और जो है उसे चुंगा दो मतलब खीस पिला दो उसका छिका का पिलाओ। अच्छा जी बच्चे का कभी दस्त नहीं लगने के। और बाकी डाइट में क्या है इसके अलावा। दूध तो चलो एक हो ही गया उसके अलावा मतलब न्यूट्रिशन वगैरह में क्या दे सकते हैं। आज तो मार्केट में बहुत सी चीजें हैं जी। मैं मुझे तो आप ये बताइए जो आपने बुल तैयार करा है आपने क्या तरीका क्या लिया था। अच्छा बूस्टिंग काफ जी। अच्छा उसके अंदर क्या चीज है जी। मिनरल मिक्सर है मल्टीविटामिन है या एनर्जी बूस्टर। अच्छा जो ट्रेस मिनरल सारे हैं बहुत बढ़िया। लगभग 3 महीने के बाद की क्या डाइट होनी चाहिए बुल की। देखो एक आता है बच्चों के लिए फीड जी जिसे बोल रहे हैं क्या नाम है थोड़ा अभी ध्यान दिया नहीं आ रहा। कोई बात नहीं तो मतलब वो फीड कितना दिया जाता है मतलब बच्चे को जो है चारा कम रखो। अच्छा फीड ज्यादा दो उसे खिलाने की ज्यादा। अच्छा बहुत से आदमी दाना खिलाते हैं लेकिन सही डाइट में दाना चयन नहीं कर पाते उसके लिए क्या रहेगा दाने की क्या लगभग एक जो उसकी डेली की मतलब प्रतिदिन की डाइट है उसकी कुछ आइडिया बताओ ग्राम वगैरह में क्या देना चाहिए उसे। देखो जितना बच्चा खा ले जी जब हम उसकी अच्छी केयर करेंगे जी टाइम पे डीवॉर्मिंग करेंगे जी माँ का दूध अच्छा पिलाओगे जी और मिनरल वगैरह देंगे जी तो फिर जो है तो जैसे ये 3.5 साल का हुआ अब तक इस बुल में कोई ऐसी बीमारी या कुछ ऐसा कोई चीज आपको दिखाई दी। मतलब भगवान की दुआ से बढ़िया है। अच्छा है जी परमात्मा की कृपा है आज तक इसे बुखार भी नहीं हुआ। मतलब ये केयरिंग का है। तो अब फिलहाल जैसे ये बुल तैयार हो रखा है इस बुल की फिलहाल आप प्रेजेंट में क्या डाइट दे रहे हो। प्रेजेंट में देखो अब तो दूध हम जब मेले आवे जी तो उस टाइम पर देंगे। लगभग दूध कितना दूध देते हो ऊपर दिन। दूध लगभग ये मान कर चलो 10 किलो के आसपास। 10 किलो के आसपास और बाकी चारा कितना रहेगा जिसका। चारा जितना ये खा ले बाकी दाना इसका रूटीन का है 12 के 12 महीने इसका जो है
दो किलो दाना सुबह, दो किलो शाम, किलो शाम। अच्छा, जब मेले आवे जैसे अब मेलों का सीजन चल गया जी, ठीक है जी, तो अब वो दाना जो है बढ़ जाएगा। अच्छा, दाना बढ़ जाएगा। तेल वगैरह कुछ? तेल भी समय समय पर देते हैं। अच्छा, तेल मतलब तेल घी, मतलब तेल सरसों का देना चाहिए या फिर मतलब जो इसका तिलो वगैरह का चलता है या अलसी का तेल? देखो हम तो हमेशा सरसों का तेल। अच्छा, सरसों का तेल कितना देना चाहिए? देखो ज्यादा दोगे तो ऑफिड हो जाएगा। ऑफिड हो जाएगा जी जी। लगभग यही 100-150 ग्राम, 100-150 ग्राम के लगभग। तो मतलब तैयार करने के लिए नॉर्मल अगर रूटीन से करें तो अच्छी बुल से हम अच्छा कटड़ा या कटड़ी तैयार कर कोई भी चीज हो जी। अगर आप एक बुल को तैयार करोगे जी, एक पहलवान को तैयार करोगे जी जी, खर्चा दोनों में बराबर, दोनों में बराबर आएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक जोड़े का भी उतना ही खर्चा, एक पहलवान जी जी, बहुत बढ़िया भाई। सभी भाई देखो कितने भाई यहाँ पर खड़े होकर जानकारी ले रहे थे बुल के बारे में। और अच्छी चीज है कि पशु पर आप तैयार करोगे तो आपने सारी बात भाई जानकारी दी। एक बार अपना ऐसा नंबर बता दो जो कोई चीज आपसे जानकारी कस्टमर लेना चाहे या कुछ भी, तो आपको उस बारे में पता चल जाए। भाई जी मेरा मोबाइल नंबर है 99-97-98-96-26-90। बहुत बढ़िया जी। नाम क्या बताया था इस बुल का भाई? इसका नाम है जी सरपंच गोयला। सरपंच गोयला भाई, आप देख सकते हैं बुल का नाम है। बहुत ही अच्छी भाई ने शानदार तरीके से सारी जानकारी दी है। और भाई सभी भाई को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। ये देखिए सरपंच बुल गोहिला वाला, जिला मुजफ्फरनगर भाइयों। भाई अपने क्षेत्र का इस बुल ने बहुत नाम करा और भाई ने जो डेयरी फार्म में भी एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि प्राप्त करी है। इतना अच्छा बुल तैयार करा है। सभी भाई देख सकते हैं भाई बुल के पास कितनी भीड़ लगी हुई है जानकारी लेने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।